देश भर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर स्वच्छता अभियान चलाया गया, लेकिन धनबाद नगर निगम की तरफ से जो भी स्वच्छता के अभियान चलाए गए उन अभियान की पोल खोल रही है ये तस्वीरें। झारखंड मैदान के निकट आप देख सकते हैं किस तरह से कूड़े का अंबार लगा हुआ है, बगल में ही पूजा पंडाल है, बावजूद यहाँ पर निगम के जो कर्मी है या फिर जो निगम की जो एजेंसी है जो साफ सफाई का कार्य करती है उसके तरफ से यहाँ पर कूड़े का उठाव नहीं किया जा रहा है। ऐसा देखने को लग रहा है कि लगभग एक या डेढ़ महीने से यहाँ पर कूड़े का उठाव नहीं हुआ है। बावजूद हम लोगों से पूछेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ पर कूड़े का उठाव होता है या नहीं होता है, और अगर होता है तो कितने दिनों में। भैया बताएंगे कब कब यहाँ कूड़े का उठाव होता है और आज क्या स्थिति आज हुई है या नहीं। अभी क्या है कि अब गांधी जयंती के उपलक्ष्य में सफाई अभियान नगर निगम वाले चला रहे हैं, लेकिन वो कागज में खानापूर्ति कर रहे हैं। यहाँ क्या होता है कि सप्ताह में 15 दिन में जब हम लोग कहते हैं, जब हम लोग कहते हैं कि देखिए यहाँ गंदा भर गया है, हम लोग को बदबू आ रही है, चलें, आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ काफ़ी गंदगी है और महक रही है, सुअर का प्रचलन है, कौआ है, और एक चीज़ सबसे बढ़िया आप यहाँ देख रहे हैं कि बहुत कम मात्रा में प्लास्टिक है। तो आम नागरिक हम लोग प्लास्टिक को अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन ये जो प्लास्टिक कुछ दिखाई दे रही है वो कंपनी की प्लास्टिक है, जैसे कि आपको कुरकुरे की प्लास्टिक है या आप देख रहे हैं कोई डिब्बे का प्लास्टिक है, लेकिन पॉलिथीन बैग आपको नज़र नहीं आ रहा। हम लोग अपने स्तर से काफ़ी कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम कब उसकी नींद टूटेगी ये कहना बहुत मुश्किल है। ये कूड़ा ही उजागर कर रहा है कि नगर निगम क्या कर रही है। कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? कोई आता ही नहीं भैया यहाँ उठाने के लिए कचरा, कोई देखने के लिए। आज सुबह एक ट्रैक्टर आया, थोड़ा सा उठाया, चला गया, बोला कि हमको जाना है कुसुम विहार, उधर करना है, वहाँ से फोन आ गया, बस यही साफ करने आता ही नहीं, सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए आता है। स्थानीय पार्षद से कभी शिकायत नहीं करते हैं? अरे उनको तो इधर तो ध्यान ही नहीं है, उसको कोई मतलब ही नहीं है, इधर से कभी इधर देखे ही नहीं है, वो अपना उधर ही देखते हैं, बस जहाँ उनका वोट बैंक है बस वही से मतलब है उनको, इधर से कोई मतलब नहीं है, इधर देखने भी नहीं आते ना, पार्किंग मशीन उसमें कुछ नहीं चलवाते हैं, ना तो पार्षद झांकने आते हैं ना ही फॉगिंग मशीन चलाते हैं। आप बताइए भैया कितनी परेशानी होती है इस तरह की गंदगी से और आने जाने में कितनी परेशानी होती है? परेशानी है, खाली बीमारी के घर है, ऐसा क्या बोला जाए। तो जो साफ सफाई नहीं होती है तो आप लोगों ने कभी मेयर से कंप्लेन किया क्या? मेयर से तो नहीं किया, मेयर का नंबर हम लोग खोज रहे थे लेकिन नहीं मिला, लेकिन शाम तक मेयर को फोन किया जाएगा, समझे ना, तो मेयर का भैया खोज रहे थे मेयर का नंबर। बिल्कुल, तो मेयर इतने सुलभ तरीके से उपलब्ध हैं कि लोगों के पास उनका नंबर तक नहीं है, ये हास्यपद स्थिति है, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि आम जनता के बीच रहते हों और वो लोगों के बीच अपना नंबर सर्कुलेट करके नहीं रखते हो तो कहीं ना कहीं ये स्थिति बनेगी, और ये स्थिति इसी तरह के कूड़े के रूप में दिखेगी जैसा कि आप देख रहे हैं। और आखिर जब जिला प्रशासन की तरफ से धनबाद में तमाम जगहों पर जब देखने को मिला कि किस तरह से बड़े पैमाने पर बड़े बड़े अधिकारियों ने हाथ में झाड़ू लेकर अपने फोटो खिंचवाई, कल अखबारों में छपेंगी, और सबसे अहम बात है कि टीवी चैनल्स पर भी चल रहे हैं कि आज धनबाद में बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया गया है, लेकिन दावों की हकीकत जो अभियान चलाई गई उसकी हकीकत यही है कि तमाम वो इलाके जो रिहायशी इलाकों में गिनती जिनकी होती है, आसपास में पूजा का पंडाल है, बावजूद यहाँ पर साफ सफाई की स्थिति नगण्य है। तो ऐसे में नगर निगम को आँख दिखाती ये तस्वीरें, नगर निगम को शर्म दिलाती ये तस्वीरें, कहीं ना कहीं एक बार फिर से इस बात को याद दिलाती है कि कहते कुछ और हैं ये, करते कुछ और हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि वो इस खबर पर संज्ञान लें और यहाँ के कूड़े को साफ करवाएँ। कैमरा पर्सन निकुंज के साथ राजकुमार जायसवाल, मिरर मीडिया, धनबाद।